तो आपका भी टेस्ट हुआ, आप लोग टेस्ट इसका दे चुके। यस सर। आपका ये पहला चैप्टर का टेस्ट था ना। यस सर। और इस सत्र का पहला टेस्ट। यस सर। और जो लोग देख रहे हैं इसमें, उनके लिए पेपर मैं ऑलरेडी शुरू में ही दिखा दिया आपको, इसको आप देख लिए होंगे, चूंकि क्योंकि इस पे थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है तो पेपर आप देख सकते हैं, दिखाई देगा उसमें। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन की, और आपकी कॉपियां भी आपको जज के मिल गई। यस सर। सबसे ज्यादा नंबर किसका था? नीरज। कितना था? 14। मतलब 15 में से 14 नंबर आपके थे। चलिए बहुत बढ़िया, इनके लिए क्लैपिंग करिए, बैठ जाइए। इसके बाद 13 नंबर कितने लोगों का था? 3 लोगों का। क्या नाम है आपका? आराधना। आपका? ब्यूटी। आपका? सनी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मतलब 3 लोग 13 नंबर पाए थे, 1 लोग 14 नंबर। 12 नंबर भी कोई है जी? क्या नाम है? शुभम। और आपका कितना नंबर था? 11। क्या नाम है आपका? साक्षी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो ऐसे आप लोग नंबर पाए थे, कुछ लोग 1-2 नंबर भी पाए हैं ना इसमें। तो जो लोग 1-2 नंबर पाए हैं उनके लिए गलत ये सूचना है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या तो आप लगातार स्कूल नहीं इधर बीच में आए जब से स्कूल खुला है। आपको बता दें कि स्कूल खुला है, पहले दिन से ही आपकी पढ़ाई चल रही है, और आज 20 दिन हुए स्कूल खुले हुए, और आपका पहला टेस्ट भी हो गया। और हर महीने की 20 तारीख को अगर स्कूल खुला रहा तो आपका टेस्ट होगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, और आपको बताते हैं जिनका गलत हुआ है उनके लिए, और जिनका सही है वो भी देखें कहीं उन्होंने अंदाजे में नंबर तो नहीं पा गया ना, उनको सॉल्व करना सही से आता है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये 5 नंबर का प्रश्न था आपका, और इसमें 5 छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहला प्रश्न था कि 4532 में कुल कितने अंक है। अंक मैंने आपको बता रखा था कि हमारे पास जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर के कहां तक होते हैं? 9 तक होते हैं। ये हमारे अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके क्या बनाते हैं? हम संख्या बनाते हैं, और ये संख्या बनी हुई है आपकी 4532। तो इसमें हम देखेंगे कई अंक है, 1, 2, 3, 4। तो भाई हमारा विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट भाई, 4 ही अंकों से तो बना हुआ है। तो ये 4 अंक से बना है, इसलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही। आगे है, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? एक अंक की संख्याओं का बात कर रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, जिनका 1-2 नंबर का कटा है उनका इसमें 1 नंबर ये भी गया है ना। एक अंक की कुल कितनी संख्या है? देखिए यहां पर मैंने लिखा है अंक हमारे कितने होते हैं, तो अंक हमारे 10 है, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन एक अंक की संख्याएं की बात कर रहा हूं, कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, अंक नहीं पूछ रहा हूं, संख्याएं। संख्याएं का मतलब जिनसे हम गिनने का काम करते हैं ना, तो गिनते हम 1 से है ना, 0 से नहीं ना गिनते हैं। और 0 अकेले कोई वैल्यू नहीं देता है, किसी के साथ जुड़ेगा तभी वैल्यू देगा ना। हम बोलेंगे कि 0 रुपये मेरे पास है, मतलब 1 भी रुपया नहीं है। अगर 1 के आगे 0 को लगा दे तब तो 10 रुपया, 0 की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए 0 को हम उसमें नहीं गिनते हैं एक अंक की संख्या में। तो हमारे पास अगर 0 को हटा दें तो 1 से लेकर 9 तक हमारी एक अंक की संख्या हो गई ना। बोलिए हो गई कि नहीं हो गई? हो गया। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए था कि हमारे पास एक अंक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 9। कितनी होती हैं? 9। अब आगे प्रश्न बनता है कि हमसे कोई पूछ दे कि हमारे पास 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, पूछ सकता है ना। तो 2 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है बताइए? नहीं, 10 से। कहां से? और कहां तक 2 अंक की संख्या आप पाते हैं? 99 तक पाते हैं कि नहीं? तो 10 से लेके 99 तक जितनी संख्याएं होंगी वही 2 अंक की संख्या होंगी। अच्छा बताइए, 10 के पहले 1 से अगर हम 99 तक देखें तो 10 से पहले क्या संख्या चली गई? 9 ठो रही होगी ना। 1 से लेके 9 तक आएगा तभी तो 10 आएगा, तो 9 ठो पहले से निकल गया। 1 से लेके 99 में से 9 ठो निकल गया,
इसका मतलब 99 में से 9 ठो निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 90। इसका मतलब दो अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 90। दो अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? 90। इसी तरीके से हमसे पूछ सकता है। अब देखिए यहां पे हम किए क्या है, इसको देखिए। दो अंक की संख्या निकालने के लिए हम दो अंक की बड़ी संख्या लिए हैं और उसमें से एक अंक की बड़ी संख्या क्या किए हैं? घटा दिए। दो अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी ये पता करने के लिए दो अंक की बड़ी संख्या में से एक अंक की छोटी संख्या घटा दिए हैं, तो आ गया दो अंक की कुल कितनी संख्या है। अगर कोई कहेगा मुझे तीन अंक की कुल कितनी संख्या है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए भाई? तीन अंक की बड़ी संख्या में से दो अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे। यही तो यहां हो रहा है कि जितने अंक की हमसे संख्या पूछी जा रही है उतने अंक की बड़ी संख्या दो अंक की पूछी जा रही है। यह सवाल तो हो गया आपका। इसके बाद पूछ रहे हैं कि अगर कोई पूछ दे कि दो अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो इसके लिए हम दो अंक की बड़ी संख्या लेंगे और उसके में से उससे एक कम अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे, तो हमारे पास 90 हो जाएंगी दो अंक की कुल संख्या। अब इसके आगे मैं सोच रहा हूं कि तीन अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो इसके लिए मुझे तीन अंक की बड़ी संख्या लेनी होगी और तीन अंक से एक अंक कम कर देंगे तो कितना अंक होता है? दो अंक। तीन अंक से एक अंक कम कर देंगे तो कितने अंक होता है? तो दो अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? तीन अंक की बड़ी संख्या में से दो अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे तो देखेंगे यहां पे कितना आ गया? 900। अगर कोई पूछेगा तीन अंक की कितनी संख्याएं होती हैं तो 900। अगर कोई पूछ दे कि चार अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं तो हम क्या करेंगे? चार अंक की बड़ी संख्या लेंगे और फिर उसमें से कितने अंक की बड़ी संख्या घटा? तीन अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे तो क्या पाएंगे? 0009। क्या देख पाए आप? कि जितने अंक की हमसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, एक अंक की पूछी गई 1 9, दो अंक की पूछी गई 1 9 1 0, तीन अंक की पूछी गई 1 9 2 0, चार अंक की पूछी गई 1 9 3 0। मतलब जितने अंक की बड़ी संख्या पूछी जा रही है 9 के आगे उससे एक कम सुनना बढ़ा देना। जैसे 4 अंक की पूछी गई तो 9 के आगे 4 से एक कम सुनना बढ़ा दीजिए 3 तो होगी 9000। तो ये अब कितने भी अंक की संख्या पद्धति में आपसे संख्याएं पूछेगा तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अब आइए हम अपने जो सवाल दिए उसकी बात कर लेते हैं। हम इस पे आधारित ये सवाल था कि ये भी कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नवोदय का एग्जाम देंगे तो उसमें ऐसे सवाल आते हैं कि 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो वहां पे आप निकाल पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है भाई? 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है? 1000। भाई 4 अंक की छोटी संख्या पहली यही ना आएगी? इसके पहले क्या आता है? 999। ये तो 3 अंक की बड़ी संख्या हो गई और इसी के आगे आता है 4 अंक की छोटी संख्या। तो 4 अंक की छोटी संख्या पता है ना सबको? तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट। आगे है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले 5 अंक की बड़ी संख्या 5 9। क्या हो जाएगा 5 9? 99,900। 99। जितने अंक की बड़ी संख्या पूछता है उतना हम 9 ले लेते हैं, ये तो पता है आपको। अब कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या का अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? एक क्या? एक जोड़ देते हैं, एक आगे बढ़ जाते हैं। तो जो 99,999 में अगर एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1, और इसको देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000। एक के आगे 500। विकल्प नंबर कौन सा ही हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। एक के आगे 500 मतलब 1,00,000। कितना? 1,00,000। चलिए ये भी सही हो गया। 100 का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? एक घटा देंगे तो 100 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 99। समझ पाए क्या आप? तो ये 5 नंबर आपके तुरंत हो जाते और ट्रिक मार देते अगर सही सही आप समझ करके, तो ये तुरंत आपके हो जाते। आइए हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। खाली स्थान भरिए। खाली स्थान आपको भरना है इन चिन्हों से। छोटे बड़े का यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, छोटा ये, बड़ा ये, बराबर का चिन्ह, ठीक है।
इसका मुंह जिधर होता है उधर की संख्या क्या होती है? बड़ी। और इसका पूंछ जिधर होता है उधर की संख्या क्या हो जाती है? छोटी। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ, हम लिख देते हैं फिर से, यहां पर ये लिखा हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, पांच लाख, कितना लिखा है? बासठ हजार। पांच लाख, तीन सौ बारह। और यहां पर कह रहा है कि आप चिन्ह लगाओ, इधर लिखा है सात लाख बासठ हजार तीन सौ बारह। भाई ये पांच लाख है और ये सात लाख है, तो ऐसा ही बड़ा हो गया। आगे देखबे नहीं करेंगे, तो ये बड़ा है तो इधर वाला मुंह कर देंगे। दूसरा सवाल हमारे पास है, कहां गया ये ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, अंठावन लाख। क्या है? अंठावन लाख चौरानवे हजार, बोलिए, चौरानवे हजार तीन सौ इक्कीस। और यहां पर देखिए, यहां पे पांच लाख नवासी हजार चार सौ बत्तीस। क्या? पांच लाख, हाँ अच्छा, यहाँ पे इक्कीस ना, इक्कीस, यहाँ पे एक है भाई, इक्कीस है, तो ये पांच लाख नवासी हजार चार सौ बत्तीस। अब ध्यान दीजिए, एम में देखिए ऐसे भी समझ में आ रहा है कि अंठावन लाख है, ये पांच लाख है, लग रहा था अंठावन यहां पर भी अंठावन यहां भी, कोई सोचेगा अरे कहीं बराबर में दोनों हो जाए, लेकिन इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात अंक है और इसमें एक दो तीन चार पांच छह छह अंक है, बाद वाला एक जो इसमें है इसमें नहीं है, तो अंक कम हो गया, तो ऐसा ही है छोटा संख्या हो गया ना, तो ये छोटा हो गया, ये वाला बड़ा, तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे। सबको समझ में आ रहा है ना, जिधर का बड़ा होगा उधर को मुंह कर देंगे। चलिए आगे है तीसरा, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब वो होता है जो सवेरे लाइन लगाते हैं प्रार्थना में, प्रेयर में ना, कि छोटा बच्चा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, तो आरोही में भी हम क्या करेंगे, सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अच्छा देख लीजिए, जो अंक दिया है संख्या सब में समान है क्या? ए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, सब में वही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़। तब तो आसान है, पहले अंक से पढ़ना चालू करेंगे। ये आठ करोड़, ये कितना है? छह करोड़। ये कितना है? सात करोड़। ये कितना है? तब तो यहीं से पता कर लेंगे, आगे पढ़वे नहीं करेंगे। तो सबसे छोटका है छह करोड़, है ना, तो ये वाला लिख दे। चलिए, तो लिखा गया है, ये हम यहां पर लिख दे रहे हैं छह करोड़। आरोही क्रम में लिखना था, किसमें? हाँ, आरोही क्रम में लिखना था, तो आरोही क्रम में आप लिख लेंगे ऐसे, और इसके बाद इन संख्याओं को सजा लेंगे। छह करोड़ पैंसठ लाख बत्तीस हजार, छह करोड़ पैंसठ लाख बत्तीस हजार चौसठ इकसठ चौसठ है भाई, कमा। इसके बाद छह के बाद सात आता है ना, सात करोड़, तो सात करोड़ पैंसठ लाख बत्तीस हजार चार सौ इकसठ। चलिए अब एक के बाद देख लेते हैं, ये आठ करोड़ नौ करोड़, तो आठ करोड़ छोटा हो गया ना, तो आठ करोड़ पैंसठ लाख बत्तीस हजार चार सौ चौसठ। फिर देखेंगे सबसे बड़ा वाला, ये नौ करोड़ पैंसठ लाख, नौ करोड़ पैंसठ लाख बत्तीस बत्तीस हजार चार सौ चौसठ। वेरी गुड, समझ पाए सब लोग? यस सर। अच्छे से बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड, आरोही क्रम हो गया। अब चौथा है, निम्न में से नौ का स्थानी मान। ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथे नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, दोनों को मैं लिख लेता हूं।
यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख छियानवे लाख कितना लाख चौवन हजार छियानवे लाख चौवन हजार आठ सौ छिहत्तर में नौ का केवल स्थानी मान तो नौ यहाँ है ना, तो नौ ले लिया और नौ में गुणा करते हैं। नौ किस स्थान पे है भाई? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, तो दस लाख से गुणा कर दे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख से गुणा कर दिया। भाई देख लीजिए इसके आगे एक दो तीन चार पांच छह सौ अंक कर दो, छह सौ ना होगा, ये भी तरीका आप जानते हैं, दो दो चार दो छह, तो यहाँ पे गुणा कर दिया नौ एक कम नौ और एक सोना दो तीन चार पांच छह। और एक सवाल और इसी में था, ये है ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, एक करोड़ कितना है? एक करोड़ आठ लाख उन्यासी हजार छ सौ, इसमें भी नौ का निकालना है तो भैया नौ किस हजार स्थान पे है? हजारवा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजारवें स्थान पे, तो नौ में गुणा कर देंगे एक हजार से और ये कितना हो जाएगा? नौ हजार। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। चार सवाल क्लियर हो गया? यस सर। तो ये दो नंबर का सवाल था ना, चार सवाल, अब पांचवे पे हम आ गए, तो आइए मिटा के पांचवा भी लगा ही देते हैं। समझ में आ रहा है सबको ना? यस सर। कर लेंगे ना आप? यस सर। वेरी गुड। अब आइए आगे चलते आते हैं, पांचवा सवाल देखते हैं। देखिए पांचवा सवाल क्या है, यहां पर कुछ लिखा गया है एक कामा जीरो, यही ना है? यस सर। कामा दो कामा पांच नौ कामा आठ है ना, यहाँ पे कामा लगा है ना, यही ना है? यस। आठ कामा सात कामा तीन, यही ना है? तो आप देखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ अंक है, लिख रहा है अंकों का प्रयोग कर आठ अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या करना है? इन आठों अंकों का प्रयोग करके इससे बनने वाली सबसे बड़ी और इससे बनने वाली सबसे छोटी, तो आप क्या करेंगे? ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे से बनने वाली, से बनने वाली, हाँ बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा बताइए सबसे बड़ी संख्या बनाना होता है तो क्या करते हैं? सबसे बड़ा वाला पकड़ते हैं, सजा देते हैं उसको अवरोही क्रम, बड़का पहले फिर उसे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? नौ। फिर किसका नंबर? आठ। फिर किसका नंबर? सात। फिर पांच। फिर तीन। फिर एक। दो कहाँ जाएगा? फिर एक। फिर लास्ट में क्या आएगा? जीरो। समझ पा रहे? Yes, ये संख्या हमारी बन गई इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, नौ करोड़ सत्तासी लाख तिरपन हजार दो सौ दस, ये बड़ी संख्या बन गई। Yes, फिर हम लिख लेंगे कि एक जीरो दो पांच नौ आठ सात तीन से बनने वाली क्या? छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनने वाली, सबसे छोटी संख्या, हाँ बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, जी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या संख्या। तो छोटी संख्या बनाना होता है तो क्या करते हैं? हाँ अगर छोटी संख्या होता है तो छोटा वाला पहले उसके बाद बड़ा वाला फिर सबसे बड़ा, लेकिन उसमें जीरो यदि आ गया तो जीरो को दूसरे नंबर पे रखते हैं जैसा शुभम बता रहे हैं, तो जीरो से जो बड़ा है वो पहले आ जाएगा। जीरो से बड़ा कौन? एक को पहले और उसके बाद जीरो, फिर दो, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर ये हो जाएगा
इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ एक करोड़ दो लाख पैंतीस हजार सात सौ नवासी। बताइए पूरी बात समझ गए आप? यही आपका पहला चैप्टर का ये पेपर आपका हुआ 15 नंबर का। आपके ये नंबर रखे जाएंगे हमारी डायरी में और अंत तक देखे जाएंगे कि कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये अंक आपके काम आएंगे और इसी अंक के आधार पे आपको साल के अंत में जो सबसे अच्छा नंबर लाएगा पूरे टेस्टों में उसे हम पुरस्कार देंगे जो नंबर एक पर आएगा। ठीक है? इसलिए मन लगा के आप लोग टेस्ट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए और टेस्ट में गैप तो बिल्कुल नहीं करें। गैप कर देंगे तो वैसे ही पीछे हो जाएंगे आप ना। तो हर टेस्ट आपको देना है और उससे जरूरी है कि रोजाना स्कूल आना है। ठीक है? हाँ, रोजाना आएंगे तो सीखेंगे और सीखेंगे तो टेस्ट में नंबर ऑटोमेटिक आएंगे, है कि नहीं? तो इसको जाके टेस्ट पेपर को, कल रविवार है, फिर दोबारा एक बार लगाइएगा। ठीक है ना? आप तक तो पेपर है ही है, उसको दोबारा फिर लगा लेंगे। ठीक है? नोट कर लीजिए।